हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी एस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम डेली द हिंदू का एक पेपर पूरा बताते हैं कि इसको पढ़ते कैसे हैं। दोस्तों अगर हम द हिंदू के पूरे पेपर को बैठ के एक एक टॉपिक एक एक हेडिंग पढ़ें एक एक शब्दों को पढ़ें तो कम से कम 7 से 8 घंटे लगेंगे। तो दोस्तों खांसी हो गई है, हमें यहाँ पर वही चीज़ को पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए, जो जब हम किसी से डिबेट करें आर्गुमेंट करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, उसी चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ते हैं और चीज़ों के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना सुझाव दे सकते हैं अगर किसी प्रकार का सुझाव आपके पास हो। तो पहला यहाँ पे देखिए, एनडी तिवारी सन्स डाइड ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन ऑटोस्पाई। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा ये जो एनडी तिवारी के जो बेटे थे वो जो भी 2-3 दिन पहले इनकी मृत्यु हो गई है, तो डॉक्टरों ने कहा है कि इनकी जो मृत्यु हुई है किसी कोमल चीज़ से इनके मुंह पे रखने से हुई है। मतलब कह सकते हैं कि इनके मुंह पे किसी प्रकार की तकिया रही हो या कोई कोमल चीज़ रहा हो, इनका मुँह दबा के मारा गया है। एक नई खुलासा निकली है। अब यहाँ इन मणिपुर मायावती एन मुलायम बरी द हचेट। पहले तो ये देखिए, बरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? बरी का मतलब दफन करना होता है। ठीक, हैचेट का मतलब यहाँ पे होता है कुल्हाड़ी, पर यहाँ जब हम शब्दों को बनाएंगे तो हो जाएगा मैनपुरी में कल मायावती और मुलायम जब मिले तो उनके बीच जो पुरानी, आपको पता होगा 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ था, तो जो समस्याएं थी, जो इन दोनों के बीच उन्माद थी, नफरत थी, इन लोगों ने उसे दफन कर दिया और एक मंच पे आकर किस प्रकार से मायावती जी मणिपुर सीट के लिए, जहां से संसदीय सीट के लिए उठे हैं मुलायम सिंह यादव, उनके लिए किस प्रकार से वोट मांग रही थी और कह रही थी कि अगर पिछड़ों के बारे में कोई सोच सकता है तो वो हैं आपके मुलायम सिंह यादव। और ये जो जिस प्रकार, और नरेंद्र मोदी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी खाली दिखावे की राजनीति करते हैं, वो भले ही पिछड़े जाति से आते हैं पर पिछड़े की राजनीति नहीं करते हैं, वो सवर्णों की राजनीति करते हैं, वो बड़े बड़े बिजनेसमैनों की राजनीति करते हैं, वो उनके लिए सारी सुख सुविधाएँ हमारे देश की जनता की न्यौछावर कर दे रहे हैं और हमारे यहाँ जो देश का सबसे छोटा तबका है, जो पोषित नहीं हो पा रहा है, जो उपेक्षित है, शोषित है, गरीब है, उसको किस प्रकार से लूटा जा रहा है, कभी नोटबंदी के नाम पे तो कभी GST के नाम पे, कभी किस नाम से, इस प्रकार का आरोप उन्होंने लगाया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, प्रज्ञा स्टार्स अरो विथ कर्स ऑन कराक्रे बैक ट्रैक्स लेटर। देखिए स्टार्स का मतलब होता है हलचल। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता, दिग्विजय के वो कहें तो खिलाफ उठी हैं प्रज्ञा जी भोपाल से संसदीय सीट के लिए। कल क्या हुआ, इन्होंने एक बहुत ही विवादित बयान दे दिया कि जो हेमंत करकरे थे, जब मुंबई पे हमला हुआ था तो उस समय क्या हुआ कि जो जांच था, जांच मिली थी हेमंत करकरे को, तो उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि मैंने उनसे बोला कि जब मेरे प्रति कोई साक्ष्य नहीं, देर इज़ नो एविडेंस टू प्रूव दैट आई एम गिल्टी, तो यू कैन रिलीज मी। पर उसने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, किसी प्रकार के हम साक्ष्य ला के आपको जेल जरूर भेजेंगे। तो इन्होंने उसी समय उसे कहा था, जा तेरा सर्वनाश होगा। इसी पे दोस्तों बवाल हो गया है, ये इसे देशद्रोह मान रही है। मतलब जो आतंकवादी से जो हमारा IAS जो IPS अधिकारी मरा, ये इसे देशद्रोह मान रही है और मुंबई और जो विपक्ष के नेता हैं दोस्तों, वहाँ पे एक तरह से सियासत तेज हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है कि किस तरह से आप कह सकती हैं। हमारे देश का एक पुलिस ऑफिसर आतंकवादियों के हाथों शहीद होता है और आप उसे देशद्रोह बना रही हैं। फिर बाद में हाई कमाना जो पार्टी अध्यक्ष है, उन्होंने इस पे फटकार लगाई प्रज्ञा को, तो प्रज्ञा जी ने कहा कि मेरे अंदर की भावनाएँ थी जो बाहर निकल के आ गई। इस प्रकार की राजनीति हो रही है, सोच लीजिए। अब यहाँ देखिए दिया है, अंडर ट्रायल ब्रांडेड विद ओम सिंबल। अंडर ट्रायल का मतलब होता है कोई कार्य हो जो विचाराधीन हो, ब्रांडेड का मतलब होता है या तो दाग हो या कोई बहुत बड़ा नाम का प्रोडक्ट हो। तो कहने का मतलब है ये विचाराधीन इसमें है कि ये जो
सब्बीर है, सब्बीर एक मुसलमान है जिसका आरोप है कि जिस जेल में वो बंद था वहाँ के जो हेड हैं वो मुझे मारे हैं और मेरे पीछे पीठ पे ओम का सिंबल बनाए हैं, और इसलिए बनाए हैं क्योंकि मैं बार बार कभी भी कोई चीज़ गलत होती है जेल में अगर मैं प्रशासन को अवगत करा देता हूँ इस वजह से वहाँ का सुपीरियर मुझे मारा पीटा और इस प्रकार की यातनाएं मुझे दी है। पोल बॉन्ड्स बेनिफिटेड बीजेपी द मोस्ट कट कैश कंपोनेंट ऑफ डोनेशन, ऐसा कहा जा रहा है कि जो डोनेशन दिया जाता है राजनीतिक पार्टियों को उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को मिला तो बीजेपी पार्टी को मिला है। अ ब्रेकअप डोनेशंस मेड टू मेजर नेशनल पार्टीज द भारतीय जनता पार्टी, और दूसरे को मिला है कांग्रेस को। इलेक्शन कमीशन इम्पोज 48 आवर्स बैन ऑन हिमाचल बीजेपी चीफ। जी हाँ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ, मायावती, आजम खान के बाद एक और शख्स पे इलेक्शन कमीशन ने तत्परता से दिखा कि किस प्रकार से बैन कर दिया है 48 घंटे के लिए। वो दोस्तों कोई और नहीं, देखिए यहाँ पे लिखा है द इलेक्शन कमीशन ऑन फ्राइडे पुट अ 48 आवर्स प्रोहिबिशंस, मतलब रोक लगाना, निषेध करना। बीजेपी हिमाचल प्रदेश प्रेसिडेंट सतपाल सिंह सत्ती प्रॉम कैंपेन एक्टिविस्ट ऑफ एलिजली यूजिंग एक्सप्लेटिव अगेंस्ट राहुल प्रेसिडेंट राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से अभद्रता की टिप्पणी कर रहे थे राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उस वजह से दोस्तों ये इलेक्शन कमीशन ने इन्हें 48 घंटों के लिए बैन कर दिया है कि आप किसी प्रकार का कैंपेन नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों, चेंज रियलिटीज ट्रिगर है मायावती मेकओवर। जी हाँ दोस्तों, वही है, जैसे ही मैनपुरी में ये दोनों लोग मिले किस तरह से सारी चीज़ों में बदलाव आ गया और मायावती ने किस प्रकार से मुलायम के बारे में उनकी बातें कही। और मुलायम यादव खुद वहाँ पे बोले कि अगर मेरे बाद दलितों की और पिछड़ों की कोई सेवा कर सकता है तो ये मायावती जी हैं, मेरे जाने के बाद इनका ख्याल रखना। इस तरह के संवाद जैसे इन्होंने कहा, पीछे जितनी भी भीड़ थी चिल्लाने लगी, जय जयकार करने लगी, मतलब दर्जनों की संख्या में वहाँ लाउड स्पीकर लगे थे पर लाउड स्पीकर मानो उसकी आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही हो, इतनी तेज़ आवाज़ के साथ जो कार्यकर्ता थे जो वहाँ पे मौजूद भीड़ थी चिल्लाने लगी। एक तरह से ऐसा माना जा रहा था कि दो नदियों का संगम हुआ है जो पिछले 23 साल से एक दूसरे से नाराज़ होकर कहीं और दिशा में बह रही थी। तो ये चीज़ें हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय जब से दोनों दिग्गज बड़े नेता मंच पर साझा किए हैं, दोनों साथ आए, एक दूसरे की इस प्रकार से प्रशंसा किए हैं और इतने हंसी के साथ, कहने का मतलब इतना दिल खोल के बातें रखे अपनी अपनी, इस वजह से दोस्तों राजनीतिक माहौल बदल गया है। कहीं ना कहीं जो एक चाहे SC ST का जो कार्यकर्ता था, जो OBC का कार्यकर्ता था, कह सकते हैं सभा BSP के जो कार्यकर्ता थे, उनके अंदर कहीं ना कहीं मतभेद था एक दूसरे के प्रति, पर इन दोनों के मिलने से दोस्तों कह सकते हैं कि एक संगम हो गया, दो नदियों के संगम जैसा ये दृश्य था। उसके बाद दोस्तों, फार्मर कांग्रेस जो पूर्व कांग्रेस MP जगमीत बार ने अकाली दल को ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद है दोस्तों, फियर्स कॉन्टेस्ट अमंग टू पॉलिटिकल नोविसस सीजनल लीडर। फियर्स का मतलब होता है दोस्तों भयंकर होता है, और नोविसस का होता है एक तरह से आप कह सकते हैं नौसिखिया होता है। तो जिस प्रकार से दो नौसिखिए भयंकर रूप से आमने सामने हैं और एक ये सीजनल लीडर की तरह है, इसमें है आपका दिखा दें ओडिशा प्रेस्टिजियस बुबानीज वार लोकसभा कंस्टिट्यूंसीज विटनेसिंग अ फ्री फियर्स ट्रिगलर कंटेस्ट अमंग द टू पॉलिटिकल नंबर्स। वही है दोस्तों उड़ीसा के बारे में, जो वहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो कुछ नौसिखिए हैं तो कुछ तजुर्बदार हैं, एक्सपीरियंस हैं, ऐसे नए नए लोग लड़ रहे हैं उन्हीं के बारे में। कांग्रेस नेवर वांटेड टू एंड पॉवर्टी। देखिए किस प्रकार का जो होम मिनिस्टर हैं, किस प्रकार राजनाथ सिंह कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि
कांग्रेस की ये नीयत थी, वो कभी भी गरीबी को ख़त्म नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था जिस दिन गरीबी ख़त्म हो गई उस दिन कांग्रेस ख़त्म हो गई। क्योंकि कांग्रेस जिस चीज़ की राजनीति करती है वो गरीबों की करती है, नहीं तो पिछले 60 साल से सत्ता में थी सरकार और एक दो जनरेशन ख़त्म हो गया इसी का नारा देते हुए कि गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, और आज स्थिति आ गई कि गरीबी की स्थिति चरम स्थिति आ गई कि हमारे देश में इस समय सबसे ज़्यादा कुपोषण से पीड़ित हमारे देश के नागरिक हैं। तो ये इनका आरोप है। मोदी फोकस ऑन नेशनल सिक्योरिटी ओनली बिफोर पोल एली संगमा। जी हाँ दोस्तों, संगमा का एक और आरोप है मोदी जी के ऊपर कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करेंगे कुछ नहीं, जब से इलेक्शन आया है ये चीज़ें दिखा रहे हैं और जो चुनाव का दिशा और दशा एक तरफ मोड़ना चाहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे हमें लोग वोट दें, हमें दोबारा सदन में भेजें। और ये जितने भी पुलवामा अटैक हुआ है, जो छोटी मोटी छिटपुट युद्ध हुए हैं, उनका कहने का मतलब है ये सब मोदी की ही देन है, ये सब वोट बैंक की राजनीति है। तो ऐसे तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं जो बेहद अमानवीय है, असंवेदनशील है। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि कल हमने बताया था, ट्रेडर्स एंड पॉलिटिशियंस स्लैम गवर्नमेंट फॉर सस्पेंशन ऑफ क्रॉस एलओसी ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, जितने भी विक्रेता थे, बड़े बड़े नेता थे, उनके ऊपर एक जोरदार का धक्का लगा है, गवर्नमेंट ने लगाया है फॉर सस्पेंशन, रद्द कर दिया है क्रॉस ट्रेड को। इसलिए किया कि दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, उन्हीं रास्तों के सहारे हमारे देश के अंदर कई तमाम तरह के इलीगल नशीले पदार्थ आते थे, बारूद आते थे, और ऐसा भी होता था कभी कभार हमारे देश के लोग जो विशेष वर्ग समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं, मुसलमान, वो पीओके में चले जाते थे या पाकिस्तान में चले जाते थे या पीओके के रास्ते अफगानिस्तान चले जाते थे और वहाँ पर जो इस्लामिक संगठन है उनसे जाके मिल जाते थे। और ऐसे कई सारे आए हैं, मीडिया ने उजागर किए, जिस वजह से दोस्तों अनिश्चित काल तक भारतीय सरकार ने इस प्रकार के व्यापार को बंद कर दिया है। उसके बाद है, गंगा हैज हायर प्रोपोर्शन ऑफ एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स। आपको बता दें, तमाम तरह की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ स्टडी हैं, बार बार ये कहते नहीं सुधार आया गंगा में, गंगा में सुधार आया, गंगा में ये हुआ है, पर वास्तविकता उसकी बिल्कुल उलट है। जो स्टडी हुआ है दोस्तों ने, इसमें एंटी बैक्टीरिया की जो संख्या है, अनुपात है, और भी बढ़ गई है। अब इतने पैसे, अगर आप इतनी परियोजना के तहत 1,000 करोड़ रुपये आप खर्च कर चुके हैं गंगा स्वच्छ के माध्यम से, पर आज भी उसकी वही स्थिति। जब तक हमारे देश की जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक कूड़े करकट आप गंगा में नाले नहीं बहाएंगे, तब तक सबसे पहली जो शिकंजा है दोस्तों, ऐसे लोगों के ऊपर कसिए जो अगर किसी प्रकार की अनावश्यक कह सकते हैं कि गंदगी फैलाते हैं हमारे गंगा में, या किसी प्रकार के पानी में जो पीने योग्य हो या फिर जिसकी एक अलग मिसाल हो। कभी कभार नहीं होता है कि आप नदियों में देखिए मरे हुए जानवर को लोग फेंक देते हैं, तो यही सब समस्याएं हैं। जब तक देश का प्रत्येक युवा, प्रत्येक नागरिक जागरूक नहीं होगा, तब तक आप स्वच्छ नहीं बना सकते। उसके बाद है दोस्तों, नेवी टू टेक पार्ट इन फ्लीट रिव्यू इन चाइना। जी हाँ दोस्तों, चाइना में एक फ्लीट होने वाला है, मार्च होने वाला है, जिसमें हमारे देश के 2 पोत भी जाएंगे और उसमें शामिल होंगे। ठीक, उसके बाद रेडी फॉर असेंबली इलेक्शन वेन एवर इट इज हेल रजनी कंसिडर विक्टिम्स। ये सब ऐसे ही हैं। अब आते हैं हम डायरेक्ट इस पे आते हैं, सैफरन एरर पर देखते हैं, जो जानकारी की चीज़ें जो बढ़िया हैं सैफरन में, यही है दोस्तों। सैफरन का मतलब होता है मतदान, मतदाता वर्ग। तो कहने का मतलब, इस समय मतदान का जैसे चल रहा है, उसमें क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं। प्रज्ञा देखिए, आज जिस प्रकार से मामला उठ रहा है कि प्रज्ञा ऐसे कैसे कह सकती हैं और प्रज्ञा को कोई अपना कैंडिडेट उम्मीदवार कैसे बना सकता है जिनके ऊपर इतना सीरियस चार्जेस लगे हुए हैं, पर हम आपको एक चीज़ बता दें, प्रज्ञा ही ऐसी नहीं है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, उसमें 10 से 15 की संख्या में हर पार्टियों में ऐसे चेहरे मिल जाएंगे जो अवांछित व्यक्ति हैं, जिनके ऊपर ऐसे तमाम तरह के एलिगेशंस लगे हैं, यहाँ तक कि ऐसे मिनिस्टर भी हैं, सेंट्रल में भी हैं,
तो कहने का मतलब यही अकेले नहीं है जिस प्रकार से कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों द्वारा इनके ऊपर निशाना साधा जा रहा है, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाने के बाद कि नहीं, इसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कोई भी हाथ नहीं था। बार बार जिस प्रकार से 2008 में मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था, उसमें 8 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हो गए थे, उसमें दोषी ठहराया गया था कुछ जो हिंदू संगठन थे और विशेष रूप से कुछ जो नेता थे जो हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, प्रज्ञा सिंह और भी कई ऐसे लोग थे। तो ये दोस्तों पूरी तरह गलत है। ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जिनके ऊपर न लगा हो। हम नाम नहीं गिनवाना चाहते हैं, पर आप लोग देख लीजिएगा, हमारे ही क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मर्डर का केस चल रहा है, पर क्षेत्रीय मुद्दा होने की वजह से दोस्तों वो बातें उठ नहीं पाती हैं, क्योंकि लोग डरते हैं कि अगर आज हम बातें उठाएं तो वो मार देंगे। तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि अगर किसी प्रकार का कानून इम्प्लीमेंट करे सुप्रीम कोर्ट, तो सबके ऊपर समान रूप से लगना चाहिए। ये नहीं कि व्यक्ति विशेष देकर वो कानून का इम्प्लीमेंट होना, ये है इस जाति के, इस धर्म के, तो इनके ऊपर होना चाहिए। तो सबके अंदर कुछ ना कुछ राजनीतिक पार्टियों के अंदर बुराइयां हैं, सब लोग ऐसे ही अवांछित चेहरे को उठाई हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद ये है आपका ह्यूमनाइज द लॉ। ह्यूमनाइज का मतलब होता है दोस्तों मानवीयता। एक मानवीयता के रूप में भी एक कानून बनना चाहिए, उसके बारे में इसने दिया है, और ख़ास कर से इंडियन फॉरेस्ट के ऊपर भी इसने लिखा है। जिस प्रकार से अतिक्रमण हो रहा है और जो जियोग्राफिकल जो एरिया है उसका जिस प्रकार से अतिक्रमण कर रहे हैं लोग, वहाँ के लोग जो ऑप्शन हैं फॉरेस्ट के किसी और को दे दे रहे हैं लीज पे, तो इस तरह की जो चीज़ें इस पर रोकनी चाहिए। अब यहाँ देखिए जो आपका एडिटोरियल है ये है आइदर वे द न्यूज इज बैड, ये है ना, ये जो बातें हो रही हैं न्यूज इज बैड। अभी जो जो भी कुछ हुआ है उनके बारे में, जैसे देखिए आपको जिस प्रकार पता है कि पाकिस्तान इस समय आर्थिक तंगी से इतनी बुरी तरह से पीड़ित है कि चंद दिनों में अगर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के थ्रू अगर उतने वित्तीय मदद नहीं दी गई तो उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि वहाँ पे इमरजेंसी लागू करना पड़ेगा, वहाँ की सरकारों की हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। उसके पास पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि वो कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में ब्लैक लिस्टेड हो गया है कि वो पाकिस्तानियों को मत दो। क्यों ना दो? क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी सरजमी है जहाँ से जैसे मोहम्मद, तालिबान और तमाम तरह के आतंकवादी संगठन हैं जो पाकिस्तान प्रायोजित करता है, देश के अन्य जगहों पे बम ब्लास्ट करो, सरजमी को नष्ट करो, इस प्रकार के काम का अंजाम देता है। इस प्रकार से दोस्तों जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है इसे ब्लैक लिस्ट में डाल दी है, और बात हो रहा IMF का। यदि पाकिस्तान को IMF लोन नहीं देता है तो दोस्तों ये नहीं कि ये इससे नुकसान हो जाएगा, बहुत ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जैसे अगर आप अपने गांव में जाएं किसी एक ही बैंक तो है नहीं कि लोन देने के लिए, तो ऐसी तमाम तरह की। और IMF का सीधा सीधा कहने का मतलब है हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, पर एक स्थिति यहाँ पे आती है, आप पहले हमें सारी चीज़ें दिखाएंगे कि जो हम आपको लोन देंगे आप चाइना को नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों आज के समय में अगर पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा कोई आर्थिक रूप से मुहैया कराने वाला है तो वह है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान उसके क्षेत्र में ग्वादर बंदरगाह का निर्माण किया, सिल्क रोड इनिशिएट का निर्माण किया जो हमारे गुलाम पाकिस्तान से गुजरता है, तो ऐसे तमाम तरह के जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है जो कह सकते हैं ग्वादर बंदरगाह परियोजना के अंदर ही आता है, तो इतने ज़्यादा पैसा लेने की वजह से एक तरह से उपनिवेश बन बैठा है पाकिस्तान। तो वो इस तंगी से बाहर निकलने के लिए तमाम तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनसे भीख मांग रहे हैं। ऐसे में दोस्ती उसकी जो स्थिति है बड़ी कमज़ोर हो गई है। उसके बाद जब उसने पुलवामा पे जब अटैक करवाया तो हमारे देश की जो सुषमा स्वराज हैं जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं मिनिस्टर हैं, किस प्रकार से जाके लोगों के बीच में इसके असली दोयम जो चेहरा है जो उसको उजागर की, कितना गंदा है, किस प्रकार के ये कदम उठा सकता है, तो इसी प्रकार की वजह से दोस्तों पीड़ित है। यही सब देख लीजिएगा क्या क्या अ मेजर रीजन बाय द इकॉनमी हैज टेकन सच अ शार्प प्लंग
जीडीपी ग्रोथ बींग्स हेल्ड विद इन अ ईयर इज नो अकाउंट ऑफ द मिसमैनेजमेंट एंड इनकम्प्लीट, अरे बहुत तमाम तरह की चीज़ें पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आए डायलॉग विद ऑन फ्रैगल पास्ट। तो फ्रैगल का मतलब होता कोमल। ये कहने का मतलब ये है दोस्तों ना, जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं जो हमारे देश को देश बनाती हैं, उस पर विचार विमर्श होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए। द वर्ल्ड नीड्स टू लुक डिफरेंट एज इट हिस्टोरिकल मेमोरी एंड द कल्चर हेरिटेज विच एम्बॉडीज इट। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, इतिहास की चीज़ें हैं, जो यादगार हैं, उसे अच्छी तरह से संरक्षित करने की आज ज़रूरत है। नहीं तो एक दिन हम अपने इस इतिहास को खो बैठेंगे। किस प्रकार से खो बैठेंगे? जिस प्रकार से फ्रांस में जो चर्च था, किस प्रकार से मतलब लापरवाही की वजह से दोस्तों उसमें आग लग गई, जलकर राष्ट्र हो गया। माना जाता है कि दोस्तों बहुत पहले सदी का वो है, बनवाया गया था, पर आज हाँ 800 ईयर्स पहले वो बनाया गया था। पर आप बताइए, मैं मानता हूँ कि फ्रांस सरकार जो है कि सक्षम है, वो फिर से रीओनेट कर सकती है, पर क्या आपको लगता है उसकी उस रूप को जिंदा कर पाएगी जिस मटेरियल से वो बनी थी और जिस कला से वो खड़ी थी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि पहले की जो कलाएं थीं, जो मटेरियल उसमें लगे थे, अब वो कहीं से अर्जित कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो इस प्रकार कहने का मतलब ये, जितनी भी संसार में चीज़ें हैं, हम आपको बता दें, आप अपने क्षेत्र विशेष में कभी भ्रमण करिए और आप वहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसी तमाम तरह की हिस्टोरिकल विरासतें मिलेंगी जो जर्जर अवस्था में जूझ रही हैं, जो मरम्मत के लिए मुंह खोले बैठे फैलाई हैं कि कोई हमें सहारा दे, पर किसी प्रकार की कुछ भी, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, पहले कहेंगी हाँ हम इसे पुनर्जीवित कर देंगे, बाद में जब चुनाव जीत जाते हैं तो कुछ पता नहीं चलता है। ऐसे तमाम तरह की आप देख सकते हैं। इलाहाबाद में जो अकबर ने बनवाया था, किस प्रकार से उसकी अनदेखी की जा रही है। आए दिन लोग नीचे से ईंटा निकाल के लेके चले जाते हैं, चोरी हो रही कह रहे हैं चीज़ों की। तो इस पर विशेष ध्यान दिया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये सब क्षेत्रीय न्यूज़ें हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट विल एड्रेस ऑल योर प्रॉब्लम्स पीएमटी स्टेटर्स। खुशी की बात है कि 50 लाख आप लोन सकते हैं बिना किसी मॉर्गेज के, मोदी जी ने ऐलान किया है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।